मॉर्निंग बच्चों आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर नाइन ओके एंड दिस इज अगेन इन द कंटिन्यूशन ऑफ़ द चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फ़ूड ओके बेटा कंपोनेंट्स ऑफ फूड में आपने सारे न्यूट्रिएंट्स अब तक स्टडी करे प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स विटामिनस मिनरल्स राफेज़ एंड वाटर और फैट्स भी हमने स्टडी किए थे और हमने ये देखा था कि कौन कौन से फ़ूड से हमें ये न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं और हमारे लिए बैलेंस डाइट का होना बहुत ज़रूरी है ओके okay? आज हम स्टडी करेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस अब डेफिशिएंसी डिजीज जैसे कि नेम बताता है ये कब होगा डिजीज़ मतलब बीमारी डेफिशिएंसी मींस किसी चीज़ की कमी से अब जो हमने फूड लिया अच्छे से खाया अगर हमारे फूड में कोई भी कॉम्पोनेंट नहीं है ठीक है कोई भी न्यूट्रिएंट अगर कम है तो हमें क्या होता है डिजीज़ हो जाएगी उसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज ओके बेटा तो यहाँ से देखते हैं देखो अ पर्सन मे बी गेटिंग एन अ फूड टू ईट बट समाइम्स द फूड मे नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इफ दिस कंटिन्यूस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द पर्सन मे सफ़र फ्रॉम इट्स डेफिशिएंसी कमी हो जाएगी ना किसी भी पर्सन में उस चीज़ की अगर कोई न्यूट्रियट उसको नहीं मिलेगा खाने में तो फिर क्या होता है deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorders in our body. तो जो nutrient हमारी body में काम कर रहा था जिस चीज़ के लिए वो हमें चाहिए चाहे growth के लिए चाहिए या energy के लिए चाहिए या हमारी body building के लिए चाहिए ठीक है हमारी पूरी proper functioning के लिए उसकी कमी हो जाएगी तो हमें क्या हो जाएगा deficiency disease हो जाएगी हमारी body में okay बेटा तो diseases that औ कर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्री एंट्स ओवर आ लॉन्ग पीरियड आरकार डेफिशेंसी डिजीज ये यहाँ से आप देखिए इसको अंडरलाइन मैंने कर दिया है इफ़ अ पर्सन डजेंट गेट एनऑफ प्रोटीन्स ये एग्जाम्पल देखिए समझा है कि अगर किसी व्यक्ति के खाने में प्रोटीन नहीं है ओके एंड ही और शी इज लाइकली टू हैव स्टंट ग्रोथ तो क्या होगा उसकी ग्रोथ रुक जाएगी स्वेलिंग ऑफ फेस डिसकलरेशन ऑफ हेयर स्किन डिजीज एंड डायरिया ये सिम्टम्स हैं अगर प्रोटीन एनअ नहीं है डाइट में तो उसकी बॉडी में ये ये बीमारी हो जाएगी कौन कौन सी स्टंटेड ग्रोथ स्वेलिंग ऑफ फेस डिसकलरेशन ऑफ हेयर स्किन डिजीज एंड डायरिया ओके एंड इफ द डाइट इज डेफिशेंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स अगर डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स दोनों चीज़ें नहीं हैं बहुत टाइम तक फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली तो उसकी ग्रोथ उसकी किसकी उस पर्सन की ठीक है जिसमें ये फूड नहीं है कार्बोहाइड्रेट नहीं है और प्रोटीन नहीं है जिस व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं मिला उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी रुक जाएगी एंड सच्चे परसन बिकम वेरी लीन एंड थिन एंड सो वीक दैट ही और शी मे नॉट इवन एबल टू मूव वो मूव ही नहीं कर पाएगा ठीक है जब कमजोरी आ जाती है तो वो मूव नहीं कर पाती इसको यहाँ से क्लियर देखिए इंड ऑल डेफिशियसी डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग अ बैलेंस डाइट ये हमने पिछली वर्कशीट में भी पढ़ा था और अच्छे से समझाया हुआ है चैप्टर में कि बैलेंस डाइट क्या होती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में होते हैं तो अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमें कोई डेफिशिएंसी डिजीज़ नहीं होगी ओके अभी आप टेबल देखिए इसमें ये बताया है कि कौन कौन से मिनरल से कौन सी डिजीज़ हो सकती है उसकी डेफिशिएंसी से है ना बेटा और उसके क्या सिम्टम होते हैं तो लुक एट दिस टेबल पहले हम ये लाइन पढ़ लेते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में आल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज़ और डिसऑर्डर्स ठीक है तो आपकी टेबल में विटामिन और मिनरल की बताइए मेन मेन कि कौन सी डिजीज होती है उनकी डेफिशिएंसी से पहला है विटामिन ए इसमें है लॉस ऑफ विजन सिम्टम्स क्या होंगे पुअर विजन लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस जैसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन देखने की आंखों की जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है या बहुत कम हो जाती है देन विटामिन बी वन उससे होती है डिजीज बेरी बेरी इस इससे ड्राई रहती है स्किन वीक मसल्स वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क ठीक है वीकनेस है तो बहुत ही कम होगी एनर्जी वर्क करने के लिए देन विटामिन सी विटामिन सी से डिजीज होती है स्कर्वी स्कर्व सी विटामिन सी से आपका स्कर्वी होता है ब्लीडिंग जम्स इसमें जर्म्स होते हैं मसूढ़े वो उसमें से खून निकलने लगता है वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील और जो घाव होते हैं उनको भरने में भी बहुत टाइम लगता है ओके okay? तो विटामिन सी इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए बिकॉज इट हेल्प्स इन द हीलिंग ऑफ द वुंड विटामिन डी रिकेट्स रिकेट्स मतलब बोन्स की डिजीज रह आती है हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हड्डियाँ बहुत सॉफ़्ट हो जाएंगी और वो बेंट कर जाएंगी ठीक है तो विटामिन डी हमारी बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है देन कम टू कैल्शियम कैल्शियम एक मिनरल है जो भी बोन और टूथ डिके के लिए क्या है रेस्पॉन्सिबल है इससे डिजीज़ ये होगी और इससे भी वही वीक बोन्स एंड टूथ डिके जब डिज़ीज़ हो रही टूथ डिके तो अपने दांत गिरने लग जाते हैं कैल्शियम की कमी से इसलिए बच्चों को कैल्शियम रिच डाइट दी जाती है जिससे उनके दांत और उनकी बोन्स स्ट्रांग बने देन आयोडीन आयोडीन से गोइटर हो जाता है गोइटर की डिजीज़ हम कहते हैं गले में यहाँ पर एक मनुष्य का जो फेस होता है उसके यहाँ पर जो गर्दन है गर्दन में ये फूल जाती है गर्दन यहाँ से तो इसे गोइटर की डिजीज़ कहते हैं और इसमें सिम्टम्स क्या हैं ग्लैंड इन द नेक अपियर सोलिन एंड मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन ये इसके सिम्टम्स हैं देन आयरन आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया एनिंग anyway, में मतलब खून की कमी और वीकनेस वीकनेस क्या होगा कमजोरी रहेगी खून तो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लड हमारे लिए एक क्या करता है सब चीज़ों को जितनी एनर्जी है उसको बचाने का, का काम कर रहा है ट्रांसपोर्टेशन का, का काम कर रहा है ठीक है तो वीकनेस आ जाती है बॉडी में आयरन की कमी से ओके नाउ क्वेश्चन आंसर देखिए आप फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द फॉलोइंग अ विटामिन रिक्वायर फॉर मेंटेनिंग गुड आईसाइट आईसाइट के लिए कौन सा विटामिन आया था विटामिन ए ओके विटामिन ए आप लिखेंगे अच्छे से ए इसमें कैपिटल बनता है देन मिनरल दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर कीपिंग अवर बोन्स हेल्दी अभी आया था ना नी, पीछे हमने पढ़ा था कौन सा मिनरल है बोन्स के लिए यस कैल्शियम ओके फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन विटामिन रिक्वायर्ड फॉर हीलिंग द वुंड वंड की हीलिंग के लिए विटामिन सी था ये देखो यहाँ पे अच्छे से लिखा हुआ है क्लियर यहाँ से आप उतार के आंसर लिखेंगे फिलिंदा ब्लैंक्स डैश इज कॉज बाई डेफिशियंसी ऑफ विटामिन डी विटामिन डी की डेफिशियंसी से कौन सी डिजीज़ होती है रिकेट्स so, यहाँ से आप स्पेलिंग देख के लिख लेंगे ये लिखा रिकेट्स ओके बेटा नाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट फिलिंदा ब्लैंक है डेफिशियंसी ऑफ डैस कॉज अ डिजीज नोन एज बेरी बेरी तो कौन सा विटामिन था बेरी बेरी होता है विटामिन बी वन से ओके okay, आप ऊपर टेबल से भी देख सकते हैं यहाँ पर भी लिख दिया है मैंने डेफिशियंसी विटामिन सी कॉज डिजीज नोन है स्कर्वी स्कर्वी की डिजीज होती है जिसमें क्या होता है ब्लीडिंग ऑफ जर्म्स आप स्पेलिंग देख के यहाँ से लिख लेना वहाँ क्लियर समझते हैं ये लिखा है स्कर्वी ठीक है ये क्लियर है अब नेक्स्ट देखिए नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज ड्यू टू द डेफिशेंसी ऑफ डैश इन अवर फूड किस चीज़ की डेफिशियंसी से होता है विटामिन ए की डेफिशियंसी से ओके नाइट ब्लाइंडनेस क्योंकि उसमें आई साइड वीक हो जाती है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से ओके बेटा तो ये आप अच्छे से क्वेश्चंस को देखकर याद कर लेना और अच्छे से इसको अच्छी राइटिंग में लिखना ठीक है थैंक यू बेटा